हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में ग्रुप बी और सी के पद पर परमानेंट बहाली निकाला गया है, जिसमें पैरामेडिकल के भी पद हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जो पैरामेडिकल स्टाफ की बहाली निकाली गई है BSF में, उसकी बात करेंगे और कौन से लोग एलिजिबल हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। और यहाँ पर अभी ये शॉर्ट नोटिस है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो फुल नोटिस है आप लोग को 18 मई को देखने को मिल जाएगा। तो उस दिन जैसे ही नोटिस आएगा हम आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताएंगे पूरी जानकारी। तो यहाँ पे अभी जो शॉर्ट नोटिस है, यहाँ पे स्क्रीन पर आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी चीज़ दी गई है आप लोग को हम समझाने और बताने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को भी शेयर करें कि उन लोगों को भी ये जानकारी हो सके। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि BSF ग्रुप बी और सी के पद पर बाहरी निकाला गया है और इसमें पैरामेडिकल स्टाफ के भी पद रखे गए हैं। इसके अलावा और भी पद हैं, मगर हम सिर्फ पैरामेडिकल की बात करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, तो ये फॉर्म जो है आप लोग मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं, एलिजिबल है। यहाँ पे लड़का और लड़की दोनों भर सकते हैं, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। बस यहाँ पे इंडियन हैं आप तो भर सकते हैं, ये नहीं कि आप अदर स्टेट से हैं तो नहीं भर सकते। ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है, आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं तो इस बहाली में शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ पर आता है कि जो फॉर्म फिलअप होगा ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है। तो ऑफलाइन माध्यम से नहीं फॉर्म फिलअप होगा, ऑनलाइन के माध्यम से होगा। तो जैसे ही आप लोग को फॉर्म आता है या आप BSF के ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाकर चेक करते रहेंगे, वहाँ से भी आप लोग को जानकारी मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि पैरामेडिकल सबसे पहले स्टाफ के दिया गया है ग्रुप बी। तो ग्रुप बी में सिर्फ एक पद है, वो है SI स्टाफ नर्स का। तो यानी स्टाफ नर्स जो होंगे SI कहलाएंगे, ग्रुप बी में आते हैं। और इसमें जो टोटल सीट की बात यहाँ पर रखी गई है, 14 सीट रखा गया है। और कैटेगरी वाइज अलग अलग सीट, जैसे कि ER के लिए 4 सीट है, EWS के लिए 3 सीट है, OBC के लिए 4 सीट है, SC के लिए 2 सीट है, ST के लिए 1 सीट है। इस तरह से 14 सीट होते हैं, आपको कैटेगरी वाइज बांटा गया है। उसके बाद एज लिमिट की बात किया जाए, तो जो भी बच्चे स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करेंगे 21 से लेकर 30 वर्ष तक उनका मिनिमम एज होना चाहिए ईवर कैटेगरी से। अगर अदर कैटेगरी से हैं तो उन लोग को छूट दिया जाएगा, मगर यहाँ पे अभी नहीं बताया गया है कितना मिलेगा। जब फुल नोटिस आएगा उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। आपका सैलरी जो है लेवल 6 का होने वाला है, यानी कि 35,400 मिनिमम सैलरी होना चाहिए होने वाला है। और इसमें और भी भत्ता वगैरह मिलाकर लगभग 60,000 के आसपास सैलरी बनेगा पहली बार, और 1,12,400 तक जाएगा सैलरी, ठीक है, मैक्सिमम। उसके बाद आता है यहाँ पे पैरामेडिकल में ही ग्रुप सी के पोस्ट है। तो ग्रुप सी में दो पद आए हैं, एक आपका लैब टेक्नीशियन है जो कि ASI कहलाएंगे, और फिर आपका फिजियोथेरेपिस्ट का है, ये भी ASI का है। तो ये दोनों ग्रुप सी का ये पद है। और इसमें जो है जो सीटों की संख्या है, तो लैब टेक्नीशियन के लिए टोटल 38 सीट है यहाँ पे देख सकते हैं, और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए टोटल 47 सीट है। तो यहाँ पे फिजियोथेरेपी का सबसे ज़्यादा सीट है, 47 सीट पर बाहर ही निकाला गया है। और यहाँ पे जो आप लोग का एज लिमिटेशन मांगा गया है लैब टेक्नीशियन के लिए 18 से 25 ईयर से, ठीक है, UR के लिए यहाँ पर दिया गया है, और अदर के लिए छूट दिया जाएगा। उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट में देखा जाए तो 20 से 27 साल तक है। और यहाँ पे जो सैलरी बनने वाली है लेवल 5 की है, जो कि 29,200 से मिनिमम स्टार्ट होगा, जो कि 92,300 तक जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल पैरामेडिकल में देखा जाए तो 85 सीट बहाली निकाला गया है। तो ये हो गया पैरामेडिकल स्टाफ से संबंधित। अब यहाँ पर बच्चे डाउट होंगे कि जैसे कि स्टाफ नर्स की बहाली है तो इसमें कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर GNM वाले बच्चे भी एलिजिबल होंगे और BSc नर्सिंग वाले भी एलिजिबल होंगे। जब फुल नोटिस आएगा तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। अब एक्सपीरियंस मांगा जाएगा नहीं मांगा जाएगा वो उस समय आप लोगों को पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखें जाए तो लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे DMLT किए होंगे तो आप इसमें शामिल होंगे, क्योंकि ग्रुप सी का ये पोस्ट है, ठीक है। तो ग्रुप सी में लैब टेक्नीशियन का ज़्यादा चांस है कि DMLT वाले बच्चे भी शामिल हो सकते हैं, मगर फुल नोटिस में आप देखिए क्या देता है। और यहाँ पर फिजियोथेरेपी में भी आपको चांस है कि BPT या DPT मांगा जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं और पोस्ट दिए गए हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे एक लाइब्रेरियन का भी है पोस्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा इसकी लेवल 7 का ही है। यहाँ पे अच्छा खासा सैलरी है, मगर सीट सिर्फ 2 सीट है, वो भी ER से सिर्फ है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड में अप्लाई होगा, और अभी डेट नहीं आया है। जैसे ही डेट आएगा उस दिन से आप लोग को 30 दिन समय दिया जाएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए, और उसके बाद एज लिमिटेशन या अदर जो चीज़ें हैं वो फुल नोटिस में जानकारी मिल जाएगा। तो जो भी यहाँ पर शॉर्ट नोटिस में था आप लोग को हम बताने और समझाने की कोशिश की है, और जैसे ही फुल नोटिस आता है तो आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो फ्रेंड, वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।